राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। आज सुबह से ही नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर में सफाई और कचरा उठाने का काम नहीं किया तो दोपहर तक नगर में सफाई कर्मचारी नहीं आए और गाड़ी पर सफाई अभियान का प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। दोपहर 12 बजे नगरपालिका प्रांगण में सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष लक्ष्मण वाल्मीकि के साथ सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी कर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लिखा था कि बीती रात नगर पालिका अध्यक्ष मंजूषा शर्मा के पति नरेंद्र शर्मा ने नगर पालिका के निर्माण शाखा के कर्मचारी दीपक आदिवाल उनके भाई रवि कमल और एक के अन्य के झूठे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है। हम सभी कर्मचारी उक्त झूठे प्रकरण की निंदा करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि उक्त झूठे मामले की पहले जांच की जाए उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो। इनके अध्यक्ष हैं जी, क्या मामला हुआ था आपने ये जो आज आपको ज्ञापन देना पड़ा और सवेरे से सफाई नहीं हो पाई नगर में? हमारे समाज के वरिष्ठ है दीपक आदिवाल जी और संस्था के संयोजक है लाली शर्मा द्वारा उनको आज व्यवहार वाल्मीकि समाज को मेतर बोला गाली गलौज करी तो उसके विरोध में हमने काम भी बंद करा और शासन से मांग करते हैं कि उच्च कार्रवाई करी जाए नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक, आज जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू की जा रही है दोबारा वो भी दीपक आदिवाल जी के माध्यम से, मतलब कि अपने गांव की व्यवस्था नहीं बिगड़े इसलिए दोबारा शुरू की जा रही है। जो समाज के जो लोगों ने काम बंद किया है इसमें मेरा ये कहना है कि इनको मेरा अपमान हुआ, इनको बुरा लगा, इन्होंने इनकी मर्जी से ये काम बंद किया है, इसकी गिरफ्तारी की इन्होंने मांग करी थी तो मैंने इनको समझाया, जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने कहा अपन ऐसा नहीं करेंगे। अभी क्या है कि सरकार का स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चल रहा है वो प्रभावित होगा, नगर के जो लोग हैं वो परेशान होंगे तो मैंने कहा अपनों को ये कार्रवाई नहीं करना है, आप लोग ये इनको समझा दो। मेरी सीएमओ मैडम से चर्चा हुई कि आपने मुझे बगैर जानकारी कैसे रिव्यू किया जबकि मैं स्टे लेके आया हूँ कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि मेरे को मिला नहीं था इसलिए हो गया गलती से, मैं उसको वापस ले लूँगी जैसी आऊँगी वैसी और तुम काम चलने दो। तो भाइयों को समझाया मैंने कि अपनों को काम करना है, शासन प्रशासन के संग काम करना है, जनता के संग काम करना है, उस लाली शर्मा के कहने पे अपनों काम नहीं बंद करना है उसके विरोध में। वो इतना बड़ा नेता थोड़ी है कि उसके खिलाफ में पद बंद कर दे, उसकी गिरफ्तारी होना तो यूँ होगी, अगर गलत है तो होगी ना साहब, उसकी गिरफ्तारी तो होगी। सफाई कर्मचारी महासंघ सनावत द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है। क्या कार्रवाई होगी इसके अंदर? वो अधिकारी आ जाए उनको प्रस्तुत कर देते हैं। नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर जो आज सवेरे से चरमरा गई है उसको लेकर किस तरीके से यथा स्थिति बनेगी? कर्मचारी संघ से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नगर की सफाई व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा, अब ऐसा उनके द्वारा बताया गया है, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। सनावत से आनंद राठौर की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।